नमस्कार, मैं नीलम सिंह स्वाद खजाना चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाऊंगी तरोई की सब्जी, तो आइए देखें इसे कैसे बनाते हैं। तरोई की सब्जी बनाने के लिए हम 1 केजी तरोई लिए हैं और इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिए हैं। देखिए ये तरोई है, इसे नेनुआ भी बोलते हैं। और 100 ग्राम चना का दाल लिए हैं, इसे 4 से 6 घंटा के लिए हम पानी में फूलने के लिए डाल दिए थे। ये बहुत ही अच्छा फूल के हो गया है। और 1 प्याज लिए हैं, इसे हम पतले पतले स्लाइस में काट लिए हैं। मिर्च है, ये 4 है, इसे भी काट लिए हैं 2 भाग में। और 1 चम्मच लहसुन है, ये कद्दूकस किया हुआ है। मसाले में हम हल्दी लिए हैं, ये 1 टेबल स्पून है। और धनिया है, ये भी 1 टेबल स्पून है। और स्वाद हिसाब से हम नमक लिए हैं। और 1/2 टेबल स्पून इसमें सौंफ का गुड़ा हुआ है। और 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च है। देखिए ये नेनुआ है, इसे हम इस तरह से छील लेंगे। छीलने के बाद इसे हम इस तरह से काट लिए हैं। ज़्यादातर तरोई का सब्जी सिंपल बनता है, लेकिन हम आपको आज स्पाइसी बना के दिखाएंगे। हम कढ़ाई लेंगे और गैस को ऑन कर देंगे और कढ़ाई को गर्म होने देंगे। कढ़ाई अब गर्म हो गया है, इसमें हम सरसों तेल डाल देंगे। गरम हो गया है, इसमें हम थोड़ा सा सरसों डाल देंगे, ये पीला वाला सरसों है। और इसमें हम जीरा भी डाल देंगे सूखी भर। अब ये चटक गया है, इसमें अब हम प्याज डाल देंगे। प्याज को हम हल्का नरम कर लेंगे और गैस का फ्लेम हम मीडियम में रखेंगे। प्याज अब नरम हो गया है, इसमें अब हम हरी मिर्च, लहसुन, टमाटर ये सबको डाल देंगे। सबको डाल के हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और इसमें हम अब नमक डाल देंगे। नमक डालने से टमाटर गल जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। 2 मिनट के बाद टमाटर अब सॉफ्ट हो गया है, आप देख सकते हैं। अब हम इसमें मसाले को डाल देंगे। तो हम हल्दी डाल देंगे, लाल मिर्च है और ये सौंफ है और ये धनिया पाउडर और ये थोड़ा सा सौंठ है, इसे भी हम डाल देंगे। आपको बताना भूल गए थे। सभी मसाला को डाल दिए हैं, ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया। अब हम इसमें दाल को डाल देंगे और इसे 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे। 2 मिनट भूनने के बाद अब हम इसमें तरोई को डाल देंगे और इसे मिक्स कर देंगे। इसमें हम 1 कप पानी डाल देंगे और गैस का फ्लेम अभी हम सिम में रखेंगे। चने के दाल को ज़्यादा देर तक हम नहीं भूनते हैं, क्योंकि ये हार्ड हो जाएगा। और इसे मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। इसे अब हम ढक देंगे और थोड़ी थोड़ी देर पे इसे हम चलाएंगे। 4 मिनट के बाद हम ढक्कन को हटाएंगे। आप देखेंगे कि तरोई बहुत अच्छी से पानी छोड़ दिया है।
अब इस पानी को हम सुखा लेंगे। दो से चार मिनट तक इसे और पकाना होगा तो पानी इसका सूख जाएगा। सब्जी अब बन के तैयार हो गया है, अब हम गैस को बंद कर देंगे। हमारा तरोई का सब्जी बन के तैयार है। ये बहुत ही स्पाइसी बना है, आप देख सकते हैं कि ये चना का दाल है, ये कितना नरम हो गया है। इस तरह से ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है, तो आप भी इसे ट्राई करें और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।